द गोल्डन लाइन. कामधेनु लेबोरेटरीज डज नॉट क्लेम एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर दिस इंफॉर्मेशन. तो फिर नेचुरल हर्बल और नो साइड इफेक्ट का क्या? खत्म. बाय बाय टाटा गुड बाय गया. ये बंदा अंडर द काउंटर कोई गेम खेल रहा हो, इसके चांसेस है, डेफिनेटली है. जब मैंने फिट्यूवर के रिकमेंडेशन पर इस प्रोडक्ट को खरीदा तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था. और जब मैंने इस प्रोडक्ट को अपने फेस पे लगाना शुरू किया तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था. और जब मैं Amazon, Flipkart और इनकी खुद की वेबसाइट पर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन पढ़ने गया तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था. पहली बार दिमाग का बोझ सड़ा हुआ है. और अब जब मैं इस बंदे की वीडियोस को देखता हूं तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा होता है. यह बंदा बहुत सारे ब्रांड्स को उनकी मिसलीडिंग मार्केटिंग और इन्फॉर्मेशन के लिए क्रिटिसाइज और एक्सपोज करता है. बट डिड यू नो 2017 के अंदर इसकी खुद की वीडियो में मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन थी, जिसके वजह से इसको एक कंपनी ने स्यू किया. और ना सिर्फ स्यू किया, इसके ऊपर आरोप भी साबित हुए, जिसकी वजह से उसको अपनी कई वीडियोज हटानी पड़ी और इसके ऊपर कुछ पेनल्टीज भी लगी थी. यही नहीं, क्योरा जैसी Q&A वेबसाइट ने भी इस बंदे के अकाउंट को टर्मिनेट कर दिया था. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग. फेब्रवरी 2020 के अंदर इसने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर इसने एक प्रोडक्ट को रिकमेंड किया था, यूज कुमकुमादी तैलम. तो मैंने इसके रिकमेंडेशन पर इस प्रोडक्ट को मंगाया. व्हेन आई रिसीव्ड एंड ओपन इट, इट वाज स्मेलिंग लाइक हेल. और इसके अंदर जो ऑयल था वो बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा सा था. बट आई मेड माई सेल्फ कम्फर्टेबल एंड आई थॉट दैट इट इज़ ए नेचुरल प्रोडक्ट. इसके अंदर कोई फ्रेग्रेंस या आर्टिफिशियल केमिकल्स नहीं है, देन देयर विल बी नो इश्यू. और मैंने इसको अपने चेहरे पे लगाना शुरू किया. आफ्टर 2 वीक मुझे इसका कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, बल्कि मेरे चेहरे पर और ज़्यादा डार्कनेस और डलनेस मुझे महसूस हुई. उस वक्त मैं नाइट शिफ्ट के अंदर जॉब किया करता था, तो दिन में मैं अपने चेहरे को बहुत ज़्यादा शीशे के अंदर ऑब्जर्व नहीं कर पाता था. लेकिन जब 1.5 मंथ हो चुका था तो एक दिन मैंने अपने चेहरे को जब शीशे के अंदर ऑब्जर्व किया, देन आई वॉज शॉक्ड. मेरे चेहरे के कई हिस्सों पर, खास तौर से इस एरिए पे, यहाँ यहाँ और यहाँ, ना सिर्फ डार्क स्पॉट थे बल्कि उन डार्क स्पॉट्स के ऊपर सिग्निफिकेंट हेयर ग्रोथ भी आ चुका था. आई वॉज शॉक्ड एंड पैनिक, क्योंकि मेरी डाइट क्लियर थी. बेशक मैं नाइट शिफ्ट में जॉब कर रहा था, लेकिन दिन के अंदर मैं इनफ स्लीप लेता था. देन आई मूव टू Amazon टू रीड द रिव्यूज एंड दैट्स इट. वहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे रिव्यूज थे जिनके अंदर सेम इश्यू को उन्होंने मेंशन किया है. यू कैन आल्सो चेक इट बाई योर सेल्फ ऑन Amazon. फिट्यूवर का बायोडाटा देखने से पहले इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देखते हैं और समझते हैं आखिर यह प्रोडक्ट है क्या. Let's move to the Amazon. Okay, right now we are at Amazon. As you can see, I have purchased this item on 19th Feb 2020. और यहाँ पर लिखा है, it's a beauty oil for acne, pimples, spot, blackhead, make skin glowing. लेकिन जो फिट्यूबर सबसे बड़ी बात बोलता है, वो ये बोलता है कि आपको सबसे पहले लेबल पर प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को चेक करना चाहिए. लेकिन जब आप यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर सिर्फ एक वीडियो और 2 इमेजेस अपलोड की गई हैं जिनमें इंग्रेडिएंट्स का कोई जिक्र नहीं है. इसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करें तो यहाँ पर कुछ भी वैलिड इन्फॉर्मेशन इंग्रेडिएंट्स से जुड़ी हुई नहीं मिलेगी. यहाँ पर एक सेक्शन है अबाउट दिस आइटम, यहाँ पर लिखा है यह एक नेचुरल प्रोडक्ट है और कोई भी केमिकल इसके अंदर नहीं है. हर्बल प्रोडक्ट, सेफ, कोई साइड इफेक्ट नहीं. ओके, वेरी इफेक्टिव मॉइस्चराइजर बॉडी और स्किन केयर के लिए. और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि दिस प्रोडक्ट इज नॉट इंटेंडेड टू डायग्नोस, ट्रीट, क्योर और प्रिवेंट एनी डिसीज़. मतलब यहाँ से कंपनी ने अपना हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया है. अब यहाँ पर आगे चलते हैं तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर भी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा के बारे में पढ़ने को मिलेगा. यहाँ पर मोदक, लड्डू, खांड,
पेस्ट चटनी से लेकर सब चीज़ों पे बात हुई है, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में यहाँ तक कोई बात नहीं हुई है। वाह, यानी कि ये सारी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट की गई है किसी आर्टिकल से उठाकर। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है दिस प्रोडक्ट फ्रॉम कामधेनु लेबोरेटरीज इज एन GMP सर्टिफाइड कंपनी। अब ये जो GMP है वो कोई FDA जैसी बॉडी नहीं है, ये बस एक मैकेनिज्म है कुछ गाइडलाइंस का जिसके तहत आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है। प्रोडक्ट की पोटेंसी और प्योरिटी से कोई मतलब नहीं है। ओके, फिर आयुर्वेद के बारे में बात की गई है और फिर एंड में ये लिख दिया गया है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें इसको यूज करने से पहले। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेक्शन है लीगल डिस्क्लेमर। यहाँ पर लिखा है दिस कंटेंट इंक्लूडिंग एडवाइस प्रोवाइड जेनेरिक इंफॉर्मेशन ओनली। यानी प्रोडक्ट के ऊपर जितनी भी बातें लिखी थी और ऊपर जितनी भी बातें हमने पढ़ी थी वो सिर्फ एक आम सी जानकारी है। ओके, इट इज इन नो वे सब्स्टिट्यूट फॉर क्वालिफाइड मेडिकल ओपिनियन। और ये कोई मेडिकली क्वालिफाइड ओपिनियन भी नहीं है, समझे। ऑलवेज कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट और योर ओन डॉक्टर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और कंपनी ये कहती है कि आपको प्रोडक्ट यूज करने से पहले किसी स्पेशलिस्ट या किसी डॉक्टर से जानकारी लेनी होगी। अब क्या ये बंदा एक डॉक्टर है? हेल नो। एंड हेयर इज द गोल्डन लाइन, कामधेनु लेबोरेटरीज डज नॉट क्लेम एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर दिस इंफॉर्मेशन। यानी कामधेनु लेबोरेटरीज खुद ये कह रही है कि जो भी बातें ऊपर लिखी हुई हैं, चाहे वो प्रोडक्ट के लेबल पे हो चाहे वो डिस्क्रिप्शन में हो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर नेचुरल हर्बल और नो साइड इफेक्ट का क्या? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और कमाल की बात यह है कि फिट ट्यूबर को ये सारी बातें मिसलीडिंग बिल्कुल नहीं लगती हैं। वाव, पैसा ही पैसा हो गया, मस्त प्लान। आई मीन वाव। नाउ लेट्स क्विकली सी व्हाट आयुर्वेदिक डॉक्टर से अबाउट आयुर्वेदा। स्वागत है आपका ओज आयुर्वेद में, जहां हम बात करते हैं वही जो कि सच है और आयुर्वेद के शास्त्रों में लिखी है। आयुर्वेद के नाम पे व्यापार तो बहुत सारे हो जाते हैं, पर आयुर्वेद का ज्यादातर सच छुपा के रखा जाता है। आज हम आपसे ये कह रहे हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं और वो भी खतरनाक। एज ही यूज टू से ही इज रीडिंग एंशियंट टेक्स्ट। तो इस बंदे ने अब तक आयुर्वेद के सबसे बड़े चिकित्सक महर्षि चरक की ये बातें क्यों नहीं पढ़ी? मतलब आयुर्वेद के सबसे बड़े जो वैद्य हैं या चिकित्सक है वो भी कहते हैं कि बिना जानकारी के औषधियाँ विष के समान खतरनाक है। इसलिए उन्होंने कहा है कि ठीक से औषधि का प्रयोग न करना विष के समान खतरनाक साबित हो सकता है। पर चरक की बात न सुनना पैसा, समय और शरीर तीनों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। पर आज के युग में उन पुराने चरक को कौन सुनता है? आज जब टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, पत्रिकाओं में ऐसे बड़े बड़े लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे ये बीमारी में वो दवा खा लो, इस बीमारी में वो दवा खा लो, तो इस जमाने में चरक की कौन सुनता है? आज के शब्दों में कहूँ तो जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं उसको चुने। समझिए कि आपको एक ट्रेन में जाना है या हवाई जहाज की यात्रा करनी है, तो क्या आप ऐसा ड्राइवर चुनेंगे जिसको हवाई जहाज उड़ाना ही ना आता हो, सिर्फ उसने दो चार बुक या नुस्खे पढ़ ली हो? या फिर आप कोई ऐसी ट्रेन में बैठेंगे जिसके ड्राइवर को ट्रेन के इंजन का कुछ सिस्टम ही ना पता हो, बस दो चार उसने सुन लिया और उसमें बैठ गया और चलाने लग गया? आप बिल्कुल नहीं बैठेंगे, क्योंकि हो सकता आपको जान के लेने के देने पड़ जाए। ऐसे ही केवल बीमारी सुन के उसकी दवा ले लेना, ऐसा आयुर्वेद में बिल्कुल भी नहीं कहा है। आखिर सच क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं? बहन चो सारे मिल के हमको पागल बना रहे मादर चोत के बच्चे। Now before moving to Flipkart, let's quickly check what FDA say about these Ayurvedic products, not Ayurved. Right now we are at the official website of FDA, और यहाँ पर clearly लिखा है use caution with Ayurvedic products. Please keep in mind that FDA is talking about Ayurvedic products which are being made by these companies.
अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है कंज्यूमर शुड नो दैट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आर जनरली नॉट रिव्यूड और अप्रूव्ड बाय द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA। यानी ऐसे प्रोडक्ट्स FDA के द्वारा एक दवा की तरह और किसी सप्लीमेंट की तरह रिव्यू और अप्रूव नहीं किए जाते हैं। यानी ये कंपनियाँ एक ऐसा लीगल डिस्क्लेमर चिपका कर आपको बेवकूफ बना सकती हैं जैसे चाहे वैसे। एंड इफ़ यू सी हेयर लेड मर्क्यूरी एंड आर्सेनिक हैव बीन फाउंड इन दीज प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। यही नहीं, ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के ऊपर 2008 के अंदर बाकायदा एक रिसर्च की गई जिसका कंक्लूजन यह निकला कि 21% ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर हैवी मेटल्स की जो मात्रा थी वो डेली एक्सेप्टेबल लिमिट के मुकाबले 100% से 100,000% ज़्यादा थी। एंड द एंड यहाँ पर तीन एडवाइजेज लिखी हुई हैं कंज्यूमर के लिए। बी अवेयर दैट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स डू नॉट अंडरगो FDA रिव्यू। और यहाँ पर FDA कहता है यूज कॉशन व्हेन बाइंग मेडिकल प्रोडक्ट ऑन इंटरनेट। यानी FDA आपसे खुद रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप ऐसे अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स को इंटरनेट से ना खरीदें। ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर काफ़ी हैवी मेटल्स होने के कारण आपको सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एंड इन दिस फाइनल पॉइंट FDA ने कहा है कि अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने हेल्थ प्रोफेशनल को इनके बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद हर्ब मिनरल मेटल्स जो कन्वेंशनल मेडिकेशंस हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके, राइट नाउ वी आर ऑन फ्लिपकार्ट। एज यू कैन सी दिस इज द सेम प्रोडक्ट कुमकुम आदि तेला बाई कामधेनु लेबोरेटरी। सबसे पहले जब मैंने इसका डिस्क्रिप्शन चेक किया तो डिस्क्रिप्शन में लिखा था कामधेनु कुमकुम आदि तेला 30 ml ऑयल इज यूजफुल इन मोल फॉर मोल कार्बोनिकल डार्क शेड ऑन फेस ड्यू टू स्ट्रेस एंड एक्सेसिव लोकलाइज हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। कार्बोनिकल, लिटरली मुझे इसका मतलब नहीं पता था तो मैंने इसको गूगल किया। नाउन के अंदर नीचे मस्सा भी लिखा हुआ था तो लेट्स कंसीडर इट एज ए मस्सा। यानी अब ये तिल्लों और मस्सों की दवा है, लेकिन Amazon पे लिखा था इट्स ए ब्यूटी ऑयल फॉर ब्लैक हेड एक्ने पिंपल एंड फॉर ग्लोइंग स्किन। यानी अब मैं ये मानूं कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को Amazon से ख़रीदता हूं तो ये अलग तरीके से काम करेगा, और अगर मैं इसको Flipkart से ख़रीदता हूं तो ये तिल्लों और मस्सों को ठीक करेगा। यानी ट्रेडिशन और आयुर्वेदा के नाम पर कहीं भी कुछ भी पेल दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। और फिट ट्यूबर को यह बिल्कुल भी मिसलीडिंग नहीं लगता है। इट इज नॉट मिसलीडिंग एट ऑल। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि मुझे तो तिल्ले और मस्सों की समस्या थी ही नहीं, और इस तेल के अंदर तिल्लों और मस्सों को ठीक करने की टेंडेंसी है, उन्होंने खुद लिखा है। तो जब मैंने इस ऑयल को अपनी स्किन के ऊपर लगाया फेस पे तो मेरी स्किन ने रिएक्ट किया। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए स्किन ने मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, और साथ ही बेटर प्रोटेक्शन के लिए स्किन ने हेयर ग्रोथ को भी स्टिमुलेट कर दिया। दैट्स व्हाई आई गॉट दीज साइड इफेक्ट्स। और यहाँ पर एक सेक्शन अलग से दिया गया है जनरल इन्फॉर्मेशन का, लेकिन जब आप यहाँ देखते हो ऑर्गेनिक के सामने लिखा है नो, यानी यह प्रोडक्ट ऑर्गेनिक नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कंपनी ने खुद ही लिखा है। फाइनली 30 ml वेरिएंट के ऊपर हमें इसके इंग्रेडिएंट्स का लेबल मिला। अब जब आप इस लेबल पर दिए गए इंग्रेडिएंट्स को मैच करोगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स मेंशन है इस सेम प्रोडक्ट के वो कहीं ज़्यादा हैं। यहाँ पर लगभग 21 इंग्रेडिएंट्स को मेंशन किया गया है। मैं लगभग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो तरीका है मेंशन करने का ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है।
कहीं पे कोमा, कहीं पे फुल स्टॉप, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया गया है, किया हुआ है। और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इनके नाम यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं, यहाँ पर इन्होंने बायोलॉजिकल नेम को यूज़ किया है इन प्रोडक्ट्स के। मे बी ये भी इन्होंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया हो, आई डोंट। अब जब आप इनकी वेबसाइट के अबाउट अस सेक्शन में जाओगे तो आपको इसको देख के ऐसा लगेगा जैसे अपनी शक्तियों का एक विशाल मंदिर बनाना चाहते हैं हम, क्रिटिक्स के लिए नहीं, हम अपने भक्तों के लिए, जो कि आज जो मंदिर बने हुए हैं, जगह जगह उनको पूजा जा रहा है, हमारे मरने के बाद भी उनके दुख दूर होते रहे, हमारा मकसद कुछ और है। इट्स ओके, आप किसी बड़े और कमर्शियल ब्रांड्स के अंदर कोई कमी है आप उसको एक्सपोज करते हो, इट्स ए गुड थिंग। लेकिन आप जो इन्फॉर्मेशन देते हो उसकी ना सेफ्टी की गारंटी है, ना पोटेंसी की, ना प्योरिटी की। ऊपर से जब बंदों को साइड इफेक्ट होते हैं तो वहां पर एक लीगल डिस्क्लेमर लिखा आता है जो कि कुछ इस तरीके का होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बायोग्राफी ऑफ दिस मैन। अकॉर्डिंग टू हिज नेम ही बिलोंग्स टू बनिया कम्युनिटी एंड वी ऑल नो दैट बनियाज आर वेरी गुड एट अट्रैक्टिंग द मनी एंड दे आल्सो नो हाउ टू मैनेज इट एंड दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। आई एम नॉट अगेंस्ट द बनिया कम्युनिटी और एनीवन एल्स। लेकिन इस बंदे ने, इसने आईटी से जुड़ा हुआ चैनल खोलने की बजाय इसने चैनल खोला आयुर्वेदा न्यूट्रिशन हेल्थ के ऊपर। शुरुआत के अंदर इसने काफी वीडियोस क्विक रेसिपीज के ऊपर बनाई, फिर इसके बाद इसने कुछ वीडियोस वर्कआउट्स के ऊपर बनाई, लेकिन मिड 2017 के अंदर इसने अपनी वीडियोस में ट्रेडिशन और आयुर्वेदा का जिक्र करना शुरू किया। ट्रेडिशन और आयुर्वेदा के ऊपर जब इसने वीडियो बनाई तो डेफिनेटली इसके चैनल को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। नाउ ही वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्ले दिस गेम। इट्स ओके आप बड़े और कमर्शियल ब्रांड्स को क्रिटिसाइज करते हो अगर उनके प्रोडक्ट में कुछ कमियां हैं, इट्स अ गुड थिंग। बट जो इन्फॉर्मेशन और जो प्रोडक्ट आप रिकमेंड करते हो, ना उनकी सेफ्टी की गारंटी है, ना पोटेंसी की, ना प्योरिटी की, और तो और यह भी नहीं पता कि प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है, लेवल पर पूरे इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हैं या नहीं किए हैं, कुछ नहीं पता। बस आप एक इमोशनल गेम लोगों के साथ खेल रहे हो जो कि ट्रेडिशन और आयुर्वेद के नाम पे चल रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर जिस वक्त एक अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस बना लेते हैं वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मे बी ये बंदा अंडर द काउंटर कोई गेम खेल रहा हो, इसके चांसेस हैं, डेफिनेटली हैं, बट आई थिंक ही इज स्मार्ट इनफ, ही इज प्लेइंग इट स्मार्टली, दिस इज माई ओपिनियन। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है, जितना हो सके आप प्रोडक्ट्स की दुनिया की तरफ जाओ ही मत। इनमें से आधे से ज्यादा नहीं, 90% प्रोडक्ट तो ऑलरेडी एक प्लासिबो होते हैं, जिनका सिर्फ आपकी मेंटली कन्विक्शन से आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि कुछ रिजल्ट मिल रहा है। और दूसरा ये है कि आप दूसरे की खोपड़ी से मत चलो, यही होगा जब आप दूसरे की खोपड़ी से चलोगे। और अगर कोई बंदा कोई प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा है तो उसकी वेबसाइट पर जाकर या अमेजोन या फ्लिपकार्ट के ऊपर जाकर डिस्क्रिप्शन के साथ साथ जो अदर इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट की दी गई होती है, खासतौर से लीगल डिस्क्लेमर, इसको एक बार जरूर पढ़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।